सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फडणवीस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की संभावना को किया खारिज। जरांगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को पुणे के कोर्ट ने किया रद्द। पहचान बदलने की खबरें सही हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा, अजित पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फडणवीस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की संभावना को किया खारिज। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ऐसी चर्चा बीते कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में जारी है। लेकिन फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में ऐसी किसी भी संभावना को नकार दिया है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, यह चर्चा मीडिया ने ही शुरू की थी और यह सिर्फ मीडिया में ही चल रही है। यहाँ पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नागपुर जिला नियोजन समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। बैठक में शामिल हुए सभी नेताओं में फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ऐसे कानाफूसी हो रही थी। हालांकि अंत में फडणवीस ने खुद ही इस विषय पर अपनी बात रख दी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे और अभी महाराष्ट्र राज्य में ही काम करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जरांगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को पुणे के कोर्ट ने किया रद्द। पुणे की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट शुक्रवार को निरस्त कर दिया। जरांगे 23 जुलाई को अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरक्षण कार्यकर्ता शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए और उनके वकील हर्षति निम्बालकर ने एक अर्जी दाखिल करके गैर जमानती वारंट निरस्त करने का अनुरोध किया। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली और जरांगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहचान बदलने की खबरें सही हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा, अजित पवार। उप मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ रकांपा के प्रमुख अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी की भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहचान बदल कर नई दिल्ली जाने की खबर सही साबित हो जाती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, पहचान बदल कर मेरे दिल्ली जाने की खबरें झूठी है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं खुलेआम जाऊंगा, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर पहचान बदल कर जाने की खबरें सही साबित होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन खबर गलत पाई जाती है तो बिना किसी सबूत या तथ्य के आरोप लगाने वालों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि हाल में आयोजित अनौपचारिक बातचीत के दौरान अजित पवार ने कहा था कि उन्होंने भाजपा से गठबंधन को लेकर दिल्ली में अमित शाह के साथ कुछ बैठकें की थी। उस बातचीत के दौरान कथित तौर पर अजित पवार ने कहा था, मैं उन बैठकों में भाग लेने के लिए दिल्ली जाते समय हवाई यात्रा के लिए मैंने अपना नाम भी बदल लिया था। अजित के कथित बयानों को आधार बनाकर शिवसेना और अकांपा के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर सीकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों, ब्रेकअप से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।